Hello and a warm welcome once again, 2022, New Year, Happy New Year to all of you. Stay home, stay safe, stay healthy and stay happy. Always don't forget to be wearing your masks, still crazy times out there. Well, we've felt best at the Indian football to be starting the new year with a new chant, and this new chant is obviously women's football. And this women's football, you all know that another 18 days from now, we would be kicking off the AFC Women's Asian Cup, which is to be held simultaneously in Navi Mumbai, Mumbai, and also in Pune. Everyone is very, very excited out there to be for the Women's Asian Cup. We are also kicking off, and you know, 2023 and 26, the 3 days we play our matches, and then after that, obviously, the team most likely will be in the quarterfinals. And there we are joined by Manisha Kalyan. Manisha, Happy New Year! Good morning. Happy New Year! Happy New Year! Good morning, good afternoon. Ye good morning wala good afternoon hai ya good afternoon wali good morning? Kaise hai aap? Badhiya main. Aap sir kaise ho? मैं ठीक हूँ. गॉड हैज बीन काइंड. कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ के बारे में. सो फार सो गुड. कैसे कैंप चल रहा है ये तो सबसे पहले बताइए. कैंप तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है और काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है एफसी के लिए. जी, कल हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे कि मैं हेड कोच साहब पहले मैं पुलिसमैन था, तो टीम में तो बहुत सारे पुलिसमैन है, तो लोगों को बहुत गार्ड दे रहे हैं. हमें लगता है सेफ हैंड पे आप लोग, और बोले कि मैं डांटता नहीं हूँ ज्यादा गर्ल्स को. जी हाँ, पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, पुलिस गार्ड है ना आसपास. और कौन कौन है पुलिस वुमेन भी तो है आप लोग के टीम में बहुत सारे. और इंदु अक्का काम करते हैं पुलिस में, और आर्मी के भी प्लेयर्स है, और रंजना दी असम राइफल में है. जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस. गॉड ब्लेस एवरीवन. और अराउंड 18 days to go for the Women's Asian Cup. Good luck, best of luck. Well, बहुत सारे सवाल आए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं. मनीषा, लोग जानना चाहते हैं कि आपसे कि आपका फुटबॉल करियर कैसे शुरू हुई, बचपन कैसे गई, थोड़ी विस्तारित बताइए. जब मैं सिक्स क्लास में थे, तो मैं एथलेटिक्स करते थे, तो जो मेरे कोच थे, जो हमारे स्कूल में जो पीटी टीचर थे हमारे ब्रह्मजी सर, वो फुटबॉलर थे. तो जब वो एक बार ऐसे डिस्ट्रिक्ट टीम ट्रायल थे, तो उनका ड्यूटी था वहां पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ. तो मैंने ट्रायल दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था. पर जब मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता था फुटबॉल के बारे में, पर जब उनके साथ खेला, पता चला कि फुटबॉल कैसे है, कैसे खेलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि अभी फुटबॉल ही खेलना है, तो मैंने एथलेटिक्स छोड़ दिया था उस टाइम में. तो इस तरह से एथलेटिक्स में आप क्या करते थे? आप दौड़ते थे, आप जंपर थे? मैं स्प्रिंटर थे, 200 मीटर करते थे और 100 मीटर थे. तो वही क्या सीक्रेट है कि ऑफ द ब्लॉक्स आप एकदम तीर की तरह निकलते हैं जब आपके लिए कोई बॉल दिया जाता है विंग्स पे? शायद वो उस चीज ने भी थोड़ा हेल्प किया है मुझे. स्पीड जो मेरा है, शायद उसकी वजह से थोड़ा हेल्प मिला है, क्योंकि बचपन में काफी ज्यादा भागते थे उस टाइम पे, काफी रनिंग वगैरह करवाते थे सर, तो शायद उसी वजह से थोड़ा स्पीड में है, स्पीड में मेरी. बहुत अच्छा, स्पीड बरकरार रहे, चलते रहिए. तो ये मींस फुटबॉलिंग करियर परसू करने में, फुटबॉलर बनने में कोई ऑब्स्टिकल्स आया घर से, कोई मना किया नहीं करनी चाहिए छोड़ दीजिए, ऐसे कोई कुछ कभी हुआ है? नहीं, घर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि घर वाले सब सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी बेटी कुछ करे. तो मैं भी उनको ये बोलते थे कि मैं फुटबॉल में कुछ करूंगी और मुझे खेलने दो. तो घर पे सब सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा बहने सब, और कुछ कुछ जैसे रिलेटिव होते हैं वो थोड़ा थोड़ा बोल देते थे कभी. और जो थोड़े गांव में, मैं गांव में रहते हूँ ना, तो कभी कभी कुछ लोग बोल देते थे कि आपकी बेटी लड़कों के साथ, क्योंकि मैं लड़कों के साथ खेलते थे, क्योंकि
मेरे आसपास में कहीं लड़कियों की टीम नहीं थी, तो मैं लड़कों के साथ खेलते थे, तो बोलते थे कि आपकी बेटी ऐसा लड़कों के साथ खेलते हैं, तो थोड़ा तो, पर घर वाले उनको बोलते थे कि उसको खेलना है तो उसको खेलने दो, उसका मन है वो खेलना चाहते है, तो यही। और लड़कियों की टीम आसपास नहीं होने से तो मुझे काफी थोड़ा ट्रेवल करके जाना पड़ता था, मतलब तो मेरे घर से दूर था थोड़ा, ऐसे 15 किलोमीटर था जो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करते थे, तो कभी कभी साइकिल से ऐसा जाते थे तो काफी दिक्कत होता था उस टाइम पे। तो कौन सी गांव था आपका, जो गांव के बारे में बोल रहे, गांव का नाम क्या है? मेरा गांव मुगोवाल है और जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पंजाब में, और जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करते हूँ जिस एकेडमी में, उसका नाम संत अत्तर सिंह खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालदी एकेडमी है वो, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करते हूँ। आपके मैं देख के अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं दिल्ली में बहुत ठंड है, हम जी लोगों हाँ स्वेटर जैकेट्स और कैप्स पहन के बैठना पड़ रहा है। कोची जी में तो अभी वेदर इज मच मच बेटर कंपैरिजन टू दिल्ली। पर यहाँ पे गुड। तो काफी गर्मी है, हाँ काफी गर्मी है तो हाँ बाहर तो काफी गर्मी है। तुम जी। क्या बोले, आप जब ये आपके इनफैक्ट आपकी एक ब्रदर ही लगता है जितना हमें, कि पावी से एक पावी ER07 आपकी ब्रदर है, उनका सपोर्ट है। आप जी बताइए। वो मेरे जब मैं गांव में फुटबॉल खेलते थे तो साथ में, मतलब उनके साथ ट्रेनिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे भेजा है ये हाँ, उसने बोला मैसेज। है बेस्ट प्लेयर है इंडिया की, कल मैसेज भी आई है मैं पावी से। तो आप मानते हैं कि आप टीम की बेस्ट प्लेयर है? शायद उनको लगता होगा। शायद उनको लगता होगा, ऑब्वियस फुटबॉल इज अ स्पोर्ट ऑफ 11 प्लेयर्स एंड बाकी बेंच एंड ऑल द सपोर्ट स्टाफ। तो मनीषा कभी खुद नहीं बोलेंगे किसी के बारे में, नन ऑफ द गर्ल्स ऑब्वियसली विल बी सेइंग कि हाँ, हम पर मुझे मेरे से भी काफी बेटर प्लेयर है इधर में जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। किससे ज्यादातर सब प्लेयर का अलग अलग रोल है, मतलब सब का अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है फुटबॉल में, तो सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर सीखने को मिलता है कि उसका ये चीज बेटर है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भी उनसे कुछ सीखूं, वो चीज वो कैसे करते हैं, तो अच्छा लगता है वो ये सब चीजें सीखने में। थोड़ी नाम बताइए कि किससे क्या क्या जैसे सीखे। बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, आप तो काफी यंग हैं, सबसे बच्चे ही है ऑलमोस्ट स्क्वाड की, तो किस किस, बाकी भी आपसे भी छोटे हैं, लेकिन किस किस से क्या क्या जैसे सीखे हैं आप बताइए। जैसे जो हमारे सीनियर्स है, एडी दी, आशा दी और संगीता दी, ये सब काफी मोटिवेट करते हैं ये लोग मुझे कि तुम बेटर कर सकते हो और भी अच्छे से करो, यहाँ पे तुम्हारा ये मिस्टेक हो रहा है, कोच से बात करो, ये चीज बेटर कर सकते हो तुम, और ये ऐसी चीजें जो मोटिवेट करते हैं तो काफी जोश आता है, जिससे और भी ज्यादा करने का मन करता है कि मनीषा तुझे ये करना है, चल चलो, ऐसा ऐसा फील होता है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे सवाल में एक सवाल लोग बार बार पूछे हैं, हाँ वो है कि ब्राजील के साथ आपने गोल किए हैं, हाँ तो इमीडिएट आपका माइंड में क्या आया था? बॉल जब अंदर गए थे, वहां से आप काउंटर में गए, अंदर गया, इमीडिएट जब क्या? मैंने ब्राजील के खिलाफ गोल किया था तो काफी अच्छा लगा था, क्योंकि हमारा उस टाइम मूव ऐसा नहीं था कि हमारा एकदम बिल्डअप से स्टार्ट हुआ था, मतलब काउंटर अटैक हुआ था, कीपर से स्टार्ट हुआ था वो वाला चीज, तो जब एडी जी ने क्लियरेंस किया तो मुझे ऐसा फील हो गया था कि हाँ अब तो हम काउंटर पे है तो हमारा अटैक बनेगा, तो मैंने रन बनाना शुरू कर दिया था, तो जब अक्का के पास बॉल आया तो उनकी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है, तो मुझे पता था कि बॉल डालेंगे, तो उन्होंने प्यारी को डाला और प्यारी ने मेरे को हेडर से इतना अच्छे से हेडर वो दिया बॉल, और मैंने फिर उसके साथ भगाना शुरू कर दिया, और उनके भी प्लेयर जो थे जो ब्राजील के, उनका जो फुल बैक था काफी ऊपर आ चुका था, तो उनके जो सेंटर जी बताइए। हेलो हाँ, सुनाई दे रहे हैं, जो बताइए। सेंटर बैक था
तो वो मेरे को प्रेस करने नहीं आ रहा था क्योंकि वो लाइन नहीं छोड़ सकता था डिफेंसिव लाइन, तो मुझे उतने में ही स्पेस मिल गया था छोटा सा, तो मैंने सोचा शॉट लेते हूँ इधर से ही, थोड़ा दूर में था तो मैंने शॉट ले लिया और वो गोल हो गया। बहुत ही काफी अच्छा फील हुआ। हाय मनीषा, अरे अरे श्रेया, कैसी हैं आप? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? गुड गुड, वेरी गुड। आज मनीषा हम लोग का स्टार है। यस सर, ऑलवेज सर, ऑलवेज। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सर, न्यू हैप्पी ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मनीषा का बदमाशी के बारे में कुछ बताइए आप लोग। न्यू ईयर सर। मनीषा बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत ही अच्छा सर। शायद इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, है। मनीषा बहुत अच्छा डांस करती है। नहीं मनीषा का डांस बहुत फेमस है, डांस के बारे में पूछ सकते हो आप इससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मनीषा, हैप्पी ये क्या है बताइए। हम तो वो न्यू है प्यारी दीदी, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ईयर सर। हमारे आज आयुष क्या भाई, संडे छुट्टी है आप लोगों का? यस यस सर, सर, एंजॉय एंजॉय करना है आज सैटरडे का रेस्ट डे सर। उस दिन संडे सुन ना देखा सर, कि बहुत सारा अच्छा गैदरिंग हुआ है, सभी अपना ट्रेडिशनल अटायर में थी। यस यस सर। सर, तो कौन क्या क्या कौन क्या क्या अटायर थी आप लोगों का, हर किसी का? सर मैं डांस का मैंने और मनीषा ने कुर्ता पजामा पहना था सर, पंजाबी स्टाइल, पंजाबी स्टाइल। सुपर डांस करते हैं सर, डांस किया था सर, एक नंबर पूरा सर, आपको देखना सर। चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, बस था। बेस्ट डांस है सर। ऐसा कुछ नहीं, नहीं एक है। सवाल था कि बेस्ट डांसर इन द टीम कौन है, तो मे बी मनीषा ही देन। हाँ सर, मेरे को ओके पता। मनीषा, हम ना इसको रिजर्व रखते हैं, आफ्टर वी डू वेल इन द एएफसी एशियन कप, जब हम अच्छे करेंगे तब आपका डांस के बारे में हम लोग बातचीत बेस्ट परफॉर्मेंस होगा सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बाय करेंगे। बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। बाय बाय, गॉड ब्लेस बाय सर, एवरीवन, गुड लक, गॉड ब्लेस एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे सेफ। आप थैंक लोग भी बैठिए, कोई आप लोग भी बैठिए उसके साथ। यू। तो मनीषा, ये डांस के बारे में बताइए, जब इतने लोग बोल रहे, कुछ तो है इस पे, हम लोग को पता नहीं है। देखिए क्या सर? डांस के बारे में, जब इतने लोग बोल रहे कि आप इतने अच्छा डांसर डांसर है, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, झूठ बोल रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छा डांस नहीं करते ऐसे बोल रहे। सर बहुत अच्छा डांस है, सर बहुत डांस अच्छा नहीं होता ऐसे, फनी सर, हो जाते कॉमेडी हैं। कॉमेडी फनी डांस होता है, फनी वे में सबको एंटरटेनमेंट डांस करने के नहीं लिए। आता इसलिए नचवाते ये लोग। मनीषा, अपना पैर में जब बॉल आता है राइवल्स को नचाते हैं, हम यही मान के चल रहे हैं। चले मनीषा, इज दैट ओके? हाँ ये ठीक दैट लवली। आपका निकनेम भी है टीम में, डिन्हो है आपकी निकनेम, राइट? जी। इसके पीछे कहानी क्या है? वो ऐसा था कि जब हम बचपन में ऐसा मैं फुटबॉल खेलते थे, तो जो मेरे गांव के लड़के थे, मैंने मतलब अभी तो ये ऐसा बाल कट किया, पहले मेरा ऐसा पोनी टेल था। तो उस टाइम पे मेरे जो गांव के लड़के थे, क्योंकि वो बोलते थे कि मेरा फेस वो रोनाल्डिनियो प्लेयर है ना ब्राजील का, तो बोलते उससे मिलता है, तो वो मेरे को सब ऐसा शॉर्ट में डिन्यो करके बुलाते थे। तो डिन्यो डिन्यो बोलते, सब लोग ऐसा बोलने लग गए। और मेरा जो अकाउंट है वो भी मैंने उसी नाम से बना रखा था पहले, एम के डिन्यो करके, तो अभी तक वही चल रहा है, तो इसीलिए सब ऐसा डिन्यो। चलने चलने दीजिए, रोनाल्डिनियो हर किसी का फेवरेट प्लेयर रहा है। अदिति से हाय मनीषा, सो अदिति आपकी हाय बोलिए। प्रेज की आपकी सेलिब्रेशन गोल के बाहर, बाद आपका जो सेलिब्रेशन था उसका भी प्रेज आया है अदिति से। आई तो हेयर स्टाइल का चेंज करने का इरादा है मूविंग फॉरवर्ड, फिर बैक टू पोनीटेल या दूसरे टाइप ऑफ लॉक्स? मेरा तो कोई चांस नहीं है, आई डोंट अभी हैव। मैंने सोचा है कि शायद कुछ तो डिफरेंट करूंगी हेयर में, अभी सोचा गॉड ब्लेस। सो है। मनीषा, ये बताइए कि नेशनल टीम पे अभी क्या क्या चेंजेस आई है पिछले 4 5 6 महीने में, और 1 साल से जब आप लोग आए हो, मीन्स चेंजेस क्या क्या आपको लग रहा है हुआ? जब से मैं नेशनल टीम में आया, मतलब जब से मैंने नेशनल टीम ज्वाइन किया है, तो जब हम एज ग्रुप में थे, मतलब अंडर 17, मुझे उस टाइम से ही मतलब काफी ज्यादा प्रोफेशनली वो फील हुआ है। उस टाइम से काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई है फुटबॉल में ही मेरी, तो उसकी वजह से
मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला है नेशनल टीम आने पे, और जो लास्ट 2 साल से हम काफी एक्सपोजर पे जा रहे हैं खेलने के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ, जिससे हम ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा अच्छे से बिल्ड हुआ है हमारा। और अभी ऐसा मन में पहले थोड़ा ऐसा डर होता था कि अगर हम किसी बड़ी टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत ऐसा था कि उसका रैंकिंग इतना है, हमें थोड़ा वो फील होता था, पर अभी थोड़ा सा डर होता है, पर जो फील्ड पे जाते हैं ना सब कुछ नॉर्मल लगता है उनके साथ खेलना, क्योंकि हम लोग भी काफी मेहनत किया है लास्ट 2-3 साल से, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ स्टेमिना वो सब बिल्ड हुआ है हमारा, तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले से, तो अभी इतना वो नहीं लगता, अभी बस जाकर खेलना है और टक्कर देनी है उनको, यही होता है दिमाग में। लवली, तो ये जो बहुत अच्छा बोले आपने, अंजू तमंग ने मैं आपको लव भेजा है, अंजू तमंग _10, अंजू का गाना एक दिन सुनाएंगे हम सभी लोगों को। बिल्कुल, उसका इंस्ट्रूमेंट लेके आएगी वो। अच्छा, ये जो आपने एक्सपोजर ट्रिप के बारे में बोले, इस साल ऑलमोस्ट 6 कंट्रीज द वुमेन टीम ट्रेवल किया है इस 2021 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। ब्राजील, चिली, वेनेजुएला, हाँ, नाम पे ही डर लगता है, वेरी ऑनेस्टली। हाँ, तो सीखे तो बहुत कुछ है हर टीमों से, बट इन लास्ट जो एक्सपोजर टूर आपका ब्राजील, चिली और वेनेजुएला, इससे एशियन कप के लिए एक्स्ट्रा क्या फायदा मिला है? जब हमें ब्राजील का जो ट्रिप, ब्राजील पे हम लोग खेलने पे लिए गए थे, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वहां पे फुटबॉल का क्रेज काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका जो फुटबॉल लेवल है हमसे थोड़ा बेटर है, तो उनके साथ जाकर खेलना और उनसे साथ खेला, जिससे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है हम लोग को। उनका जो प्लेइंग स्टाइल है हमसे अलग था, और जो उनके प्लेयर्स थे काफी एक्सपीरियंस है, तो हमें उनके साथ खेलने का मौका मिला, और ब्राजील जैसी टीम जिसका रैंकिंग भी इतना हाई है, तो उनके साथ खेल के और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस हमें हेल्प करेगा आगे जाके AFC में, और कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बिल्ड हुआ है हमारा टीम का, और टीम बॉन्डिंग भी अच्छी हुई है, जिससे हम लोग AFC में काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं इससे। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। मैं आपकी बहुत सारे फ्रेंड्स कोलीग्स टीम में जो भी बोले, रेनू ने हाय बोला है, संजू ने हाय बोली है, हाँ, अदिति ने बोली है न्यू ईयर वाला डांस दिखा दो मनीषा, सो विच मींस कि जो पहले बोला गया था उसमें कुछ तो सच्चाई है, बहुत सारे सच्चाई है, अदिति जब बोल रही है तो कुछ तो ऐसा कुछ नहीं मतलब डांस नहीं आता है इसीलिए, मतलब थोड़ा कॉमेडी हो जाता है तो इसीलिए सब बोलते हैं कि डांस अच्छा है। मनीषा रैप भी बहुत अच्छा करती है, अदिति बोल रहे हैं, संजू भी वही बोले, हाँ न्यू ईयर वाला डांस दिखाओ मनीषा। ओके, एक देयर अनदर क्वेश्चन आल्सो कम्स फ्रॉम ए फैन कि आपकी और अदिति के बिटवीन जो बॉन्डिंग है, हाँ, जो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग है, उसके बारे में कुछ वो जानना चाहती है, मीन्स कैसे है अदिति जी को, आप कैसे देखती हो, क्या बॉन्डिंग? अदिति मेरे से काफी ज्यादा बड़े भी और काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, और जिस जो मुझे कभी कभी हेल्प करता है, जब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती है गेम के बारे में कुछ भी, मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि दी मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, वो मुझे सजेशन देते हैं कि तुम यहाँ पे ये बेटर कर सकते थे, अगर उनके पास भी नहीं क्वेश्चन था तो मेरे बोलते हैं कि हाँ तुझे कोच से बात करनी चाहिए अगर तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कभी कभी मुझे कोच से बात करने में थोड़ा वो होता है, तो मेरे जो सीनियर से हेल्प कर देते हैं, जैसे एडीडी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इस चीज के बारे में, तो और भी जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, और उनके जो रिस्पॉन्स होता है सामने से वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, जो चीजें हेल्प करती है मुझे आगे और बढ़ने में, और मोटिवेशन मिलता है उनसे
क्योंकि उन्होंने काफी खेल चुका है, वो बाहर में जाके भी खेले हैं, तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। जो जब मैं उनसे बात करते हूँ तो वो सब मुझे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये करना है, तो वो सब मुझे हेल्प करता है लाइफ में भी और फील्ड में भी। तो ये सब चीजें से मेरा अच्छा बॉन्डिंग है उनके साथ। जी बिल्कुल, बहुत लकी है आप लोग की मैं ऐसे कैरेक्टर आप लोगों को मिली है जो कि दीदी है, हालांकि उसकी एज ज्यादा है नहीं, बट जो कि आप लोग के हमेशा हेल्प करने के लिए है। दैट्स वेरी लकी, आप सिर्फ आप नहीं, इनफैक्ट दी एंटायर टीम। आप वुमेन्स एशियन कप के बारे में जिक्र कर रही थी मनीषा, तो फैंस क्या एक्सपेक्ट करेंगे वुमेन्स एशियन कप से, टीम से? हम लोग क्या एक्सेप्ट हाँ, फैन से हम लोग क्या क्या होगा? एक्सपेक्ट करेंगे मींस वुमेन्स टीम से? बस यही चाहते हो कि जैसे हम लोग होस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा हमारे ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि हमें हम अपने होम में खेल रहे हैं, तो हम फैन से भी यही चाहते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। और क्योंकि उससे हमें बहुत ही ज्यादा जोश मिलता है जब फैंस सपोर्ट करते हैं, और मोटिवेशन भी होता है कि हाँ हमें करना है, हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं और जिनकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस करना है, उनको अच्छा गेम दिखाना है, ये सब दिमाग में रहता है। तो बस यही चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए AFC में, और हम अच्छे से खेलेंगे और अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे AFC में। बिल्कुल, सभी लोग आप लोगों के पीछे हैं। 20, 23 एंड 26 द 3 ग्रुप लीग मैचेस फॉर द ब्लू टाइग्रेसेस इनफैक्ट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ चांस ऑफ गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, एंड इफ द टीम गोज इनटू द क्वार्टर फाइनल्स द पाथ फॉर द प्लेऑफ स्टे ओपन टिल मिनिमम February 2nd, एंड द प्लेऑफ्स ऑब्वियसली मीन दैट द टीम स्टे विल द ब्लू टाइग्रेसेस विल बी ऑन कोर्स फॉर ए वर्ल्ड कप स्पॉट। दैट कैन हैपन, यू नेवर नो, बिकॉज द गर्ल्स हैव बीन गिविंग एवरीथिंग लास्ट 1 साल से। ऐसे लड़की भी है टीम में जो कि घर पे गई नहीं, मम्मी पापा से देखे नहीं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस है। मनीषा, एक अलग सवाल, जब आप तो इस बार लास्ट ईयर AIFF वुमेन्स एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी थी, तो वो अवार्ड का जो ये जो आपका ये ऑनर मिली है उसका महीने क्या है, मीन्स व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में फुटबॉलिंग करियर? जैसे मुझे जब AFC इमर्जिंग प्लेयर का वो मिला था तो मुझे काफी अच्छा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने एक तो सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, और मैंने काफी मतलब मेहनत भी किया था उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था। उस टाइम काफी ट्रेनिंग वगैरह वो सब करते थे, मतलब घर पे ही, तो वो सब मुझे लगता है कि हेल्प हुआ है मेरे लिए। और जब मुझे इमर्जिंग प्लेयर मिला तो घर वाले भी काफी खुश थे और काफी लोग भी खुश थे जो मेरे आसपास में हैं, तो उस टाइम बहुत अच्छा फील हुआ था। हम एक बात जानते हैं कि घर वाले और सभी लोग का खुशी का मौका और भी बढ़ता रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मींस देयर इज नो डाउट ऑन दैट एट ऑल। मनीषा, थॉमस डेनेबी अभी तो कोच है, तो कोच आपको क्या फ्रीडम दिया है, मींस कैसे डिस्क्राइब करते हो कि आप जैसे प्लेयर्स को फील्ड में जाके एक्सप्रेस करने का एक इंडिपेंडेंस दिए है, तो इस ये आपके लिए मींस व्हाट डज इट मीन टू यू? सर का जो प्लेइंग स्टाइल है काफी अच्छा है, और जब अटैकिंग की बात आती है तो जब हमें अटैकर्स को उन्होंने काफी ज्यादा फ्रीडम दे रखी है, क्योंकि हमें अटैक में जितने नंबर्स होने चाहिए उतने बढ़ा रहे हैं वो, कि हमें अटैक में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर चाहिए, तो जिसकी वजह से काफी अटैकिंग मूव्स बनते हैं। और काउंटर पे तो स्पेशली जब हम काउंटर करते हैं तो हमारे काफी प्लेयर्स होते हैं काउंटर के टाइम, तो उससे मतलब हमारे गोल चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये चीज जो उनका स्टाइल है, जो हमें जो फ्रीडम दे रखा है कि अटैकिंग में हमें नंबर बढ़ाने और भी क्विक मतलब काउंटर पे जाना है, और फिनिशिंग मूव्स वगैरह जो हमें बताते हैं वो फील्ड पे बहुत ही ज्यादा हमें वो करते हैं, हेल्प करते हैं मैच में,
जो उनके अटैकिंग मूव्स हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सीख के उनसे इतने सब कुछ, और बहुत हेल्प होती है हमें टीम में। पर जब डिफेंसिव की बात होती है तो उनका ये भी होता है कि जल्दी से नीचे आना है, डिफेंस करना है, तो बहुत क्विक क्विक हो रहा है अभी सब। बिल्कुल, द इंटेंसिटी हैज बीन वेरी वेरी हाई। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, फॉलोअर्स एंड फैंस, आप लोग सभी लोग देखे हो कैसे गर्ल्स खेली है एक्सपोजर ट्रिप में। आई हैव बीन पर्सनली लकी इनफ टू बी वॉचिंग सम सेशंस इन कोची, एंड द इंटेंसिटी माइंड यू इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। मीन्स डबल सेशंस गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरी डे, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डे, एंड इवन आफ्टर 2 hours ऑफ प्रैक्टिस, ट्रेनर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग, द इंटेंसिटी ग्राफ इज नेवर dipping down, and the girls are wanting more and more and more. That makes us optimistic. Why not do back the Blue Tigresses, always keep backing them always. Manisha, ek sawal bahut log ne puche hai ki agle 2-3 saal mein aap khud ko kahan dekhte, means kya targets hai, personal professional kya targets hai? Mera target yahi hai abhi, to abhi ke liye to mera target yahi hai FC mein full focus de खेलने का, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और उसके बाद मेरा मतलब सोचना है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूँ और टीम के लिए हेल्प करूँ, नेशनल टीम के लिए, और किसी बाहर जाके क्लब में जाके खेलूँ और अच्छा किसी क्लब में बाहर जाके खेलूँ, ये मेरा अभी प्लान। गॉड ब्लेस यू ऑन दैट, सभी का बेस्ट विशेष आपके साथ रहेंगे, सिर्फ आप नहीं बहुत सारे प्लेयर बाहर जाके खेले। संजू के बारे में क्या कहना है, दोनों बहुत टैंडमली इन टैंडम ग्राउंड पे बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप पहले संजू के बारे में बताएं, फिर संजू ने कमेंट दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, संजू जी मेरे लेफ्ट फुल बैक है और मैं विंगर हूँ, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब जब मैं नीचे आते हूँ उनको ऊपर जाना पड़ता है ओवरलैप के लिए कभी, तो हम पहले से समझ जाते हैं कि संजू जी ने जब रन मार दिया ना, हाँ संजू जी ओवरलैप जा रहे हैं, मैं अंदर लेके जाता हूँ तो उनको ओवरलैप के लिए बॉल छोड़ता हूँ, तो वो भी अच्छा क्रॉसिंग डालते हैं, तो ये सब इतना बॉन्डिंग हो गया है संजू जी के साथ खेलने में कि मतलब आंख के उससे पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है, तो जब मैं भी कभी कभी नहीं भगाते हूँ बोल तो उनको पता चलता है कि हाँ अभी ये बैक पास करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ गए, तो ये सब इजीली हो जाता है उनसे, और काफी टाइम से खेल रहे हैं उनके साथ, पोजीशन मेरे साइड पे मेरे साइड में होते हैं, तो बहुत हेल्प होता है। अंडरस्टैंडिंग बोलिए या टेलीपैथी बोलिए, संजू ने क्या बोली है सुनिए, जो आप बोले संजू वही बोले, दोनों साथ मैं थोड़ा रीडिंग करो, दोनों साथ खेलते हैं और मैं जब ओवरलैप में आती हूँ तो कैसे समझ जाती है कि मुझे बॉल देना है और कब नहीं देना? वही मैं बोला कि आंख से वो ऐसा उनकी आंख से पता चल जाता है कि हाँ अब ये रन मार रहे हो, और उनको भी पता चल जाता है कि मैंने अंदर ले लिया तो उनको ही बॉल जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। लवली, वेरी वेल मनीषा, कुछ आखिरी रैंडम क्वेश्चंस आपके लिए जो लोग दिए हैं वो करके हम आपको जाने देंगे क्योंकि आपका भी शेड्यूल है आगे जाने का। योर बेस्ट फ्रेंड इन द टीम? सब बेस्ट फ्रेंड है। आप डिप्लोमेटिक बन गए, ठीक है, सब बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट सिंगर इन द टीम? अंजू जी। अंजू, सबसे बदमाश टीम में कौन है, बदमाशी करता है, बदमाश नहीं, बदमाशी सबसे ज्यादा, प्रैंकस्टर कौन? ग्रेस। ग्रेस है, ठीक है। मैं बेस्ट डांसर इन द टीम, ये तो सभी का सवाल है। बेस्ट डांसर मिशेल जी। 1, 2, 3 भी बोल सकते हो आप, ऐसे कुछ नहीं है। मिशेल दी, एडी दी और डालिमा दी, सब सब अच्छा डांस करते हैं वैसे तो। अच्छा, दीदी लोग के आप कंधे में आप दे दिए, तो जो सिस्टर है, बहन है, वो कुछ नहीं करती है? मनीषा जी, मनीषा कुछ नहीं डांस करती है? मेरे को मैं डांस करती हूँ पर जब मेरा डांस होता है मतलब मेरे से स्टेप अच्छे से नहीं होते तो वो फनी लगता है, तो इसीलिए मेरे को सब ऐसा बोलते रहते हैं कि
तुम डांस करो, तुम डांस करो, सभी लोग आके बोले मनीषा बेस्ट डांसर है, तो हम आपके नाम लेके चलेंगे। आपकी फेवरेट फूड? आलू के परांठे और समोसा। आलू के पराठे समोसे, कितने दिन नहीं खाने को मिला है समोसे? काफी टाइम हो गया, एक साल होने वाला है मुझे लग रहा है। फेवरेट प्लेयर रोनाल्डिनियो छोड़कर और कोई फेवरेट प्लेयर आपकी? मेसी और नेमार। मेसी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग बॉयज एंड गर्ल्स को जाने से पहले, एक मैसेज फ्रॉम योर साइड मनीषा? मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, मेहनत करो और भी मतलब फुटबॉल में आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेस पाओगे, और हार्डवर्क ही की होता है सक्सेस का। तो आप जितना हो सके अपने अगर घर पे, मैं घर वालों को भी यही बोलना चाहती हूँ, उनके घर वाले हैं, कि उनको सपोर्ट करो, जिससे क्योंकि फुटबॉल में भी करियर है अगर हम देखें तो इनक्रेज करो अपने बच्चों को खेलने के लिए भी, और जिससे हमारा इंडियन फुटबॉल और भी बेटर हो। थैंक यू सो मच मनीषा, माय इंडियन फुटबॉल जरूर बेटर होगा। आप लोग को बेस्ट विशेस फ्रॉम बिहाफ ऑफ द एंटायर कंट्री। हैप्पी न्यू ईयर, में देयर बी समथिंग न्यू हैपनिंग एंड फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, परसू योर ड्रीम, सपना देखते रहिएगा। द एंटायर कंट्री इज बैकिंग द ब्लू टाइटंस। थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू ऑल इन मुंबई, बाय बाय।